तन्हाई में सबसे खतरनाक तन्हाई कौन सी है? इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उजब, कि इंसान अगर बीमारी उजब का शिकार हो जाए, ऐन जीम बे उजब, अजब जिस तरह कहते हैं अजीब, उसी को आप ऐन जीम बे लिख के ऐन पे पेश डाल दें उजब। खुद पसंदी, उजब का मतलब होता है खुद पसंदी, अपने आप से मोहब्बत, अपने काम पसंद आए, अपनी जात बहुत पसंद आए, अपना घर बहुत पसंद आए, अपने कपड़े बहुत पसंद आए, अपने काम बहुत पसंद आए, अपनी बातें बहुत पसंद आए। अगर एक इंसान, क्योंकि इंसान को तो पसंद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान को दुनिया में हज़ारों चीज़ें पसंद आती हैं, खाने की चीज़ें पसंद, पहनने की चीज़ें पसंद, देखने की चीज़ें पसंद, कुछ मनाजिर इंसान को पसंद आते हैं, कुछ तस्वीरें इंसान को पसंद आती हैं, आसमानी फलकी मनाजिर हैं, बिलाखिर हर इंसान इस कायनात में बहुत सारी चीज़ें पसंद करता है, कुछ को नापसंद भी करता है। लेकिन जो इंसान बीमार हो जाए वो बाकी किसी चीज़ को पसंद नहीं करता, सिर्फ अपने आप को पसंद करता है, खुद पसंदी का शिकार हो जाता है। और हमेशा इस के तज़किरे में ही रहता है, आप उसके सामने जिक्र करें, काबा का जिक्र करें, आप करबला का जिक्र करें उसके सामने, मस्जिद का जिक्र करें उसके सामने, तालीम का जिक्र करें, किताब का जिक्र करें, आइम्मा का जिक्र करें, उसको कुछ भी पसंद नहीं है, ना काबा पसंद है, ना इमाम पसंद है, ना पेशवा पसंद है, ना कुरान पसंद है, उसको खुद अपनी ज़ात पसंद है। एक बीमारी है नफ्स में, जब खलल आ जाए इंसान के नफ्स में, रूह में फसाद आ जाए, उस फसाद का एक नतीजा है कि इंसान खुद पसंद बन जाता है।